भारत पशुओं की विभिन्न प्रकार की प्रजातियों से संपन्न है और विश्व पशुधन जनसंख्या का 11% हिस्सा भारत में है। भारत भैंस की आबादी में पहला, पशु एवं बकरी की आबादी में दूसरा, भेड़ में तीसरा और चिकन में पांचवें स्थान पर है। चलिए भारत में डेयरी और पशु देखभाल पर एक नजर डालते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पशुधन व्यवसाय की सफलता काफी हद तक उनके आहार पर निर्भर करती है, जिसमें आदर्श रूप से 60% गीला और 40% सूखा आहार होना चाहिए। पशुओं को स्वस्थ रहने के लिए हरा और सूखे आहार के साथ ही कई पोषक तत्वों और विटामिन्स की आवश्यकता होती है। साथ ही पशुओं का आहार पूर्णतः उनके वजन पर निर्भर करता है, इसलिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताएं बहुत विशेष होती हैं। उदाहरण के तौर पर एक गाय जिसका वजन 500 किलोग्राम है, उनको एक दिन में 13.2 किलोग्राम आहार दिया जाना चाहिए, जिसमें निम्न चीजों का समावेश होना चाहिए: 6.5 किलोग्राम सूखा आहार, 0.3 किलोग्राम डाइजेस्टिबल क्रूड प्रोटीन, 3.7 किलोग्राम डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स, 20 ग्राम कैल्शियम, 15 ग्राम फास्फोरस, 53 मिलीग्राम कैरोटीन, विटामिन ए की 21 अंतर्राष्ट्रीय यूनिट। लेकिन बहुत ही कम किसान हैं जो अपने पशुओं को इतना संतुलित आहार देने में सक्षम है। परिणाम स्वरूप भारत में 85% डेयरी गायों को आहार में क्रूड प्रोटीन नहीं मिलता, 70% डेयरी गायों को आहार में कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलता। एक अध्ययन के अनुसार भारत में 5 करोड़ गाय डेयरी में अमान्य रूप से पीड़ित हैं। पोषक तत्वों की ऐसी कमियां दुग्ध उत्पादन को कम कर देती हैं, जिसकी पूर्ति के लिए पशुओं को ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। इन हार्मोनल सप्लीमेंट की मदद से तुरंत दुग्ध उत्पादन तो बढ़ जाता है, पर 5 से 6 वर्षों में पशुओं की क्षमता खत्म हो जाती है। पशु देखभाल के इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक ऐसे समाधान की जरूरत है जो पशुओं को पोषण दे और उन्हें लंबे समय तक स्वस्थ और लाभकारी बनाए रखे। पोषक तत्वों की इसी कमी को पूरा करने के लिए नेटसर्फ ने कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस को फॉर्मुलेट किया है, जो एक परिपूर्ण आहार पूरक है जो पशु के पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूर्ण करता है। कैटल फीड कॉन्सेंट्रेट प्लस महत्वपूर्ण मिनरल्स, विटामिन्स, हर्ब्स, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स का संगठन है। सीएफसी प्लस का उपयोग गाय, भैंसों, बकरी और मुर्गी पालन के लिए उपयुक्त है। सीएफसी प्लस गाय और भैंसों में बेहतर फैट और प्रोटीन के साथ दुग्ध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है, मुर्गी पालन में मृत्यु दर को कम करने में मदद करता है और एग्स की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ाता है। ये बकरियों की दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाता है और उनकी मीट क्वालिटी को बेहतर बनाता है। सीएफसी प्लस का प्रत्येक घटक पशुओं की विशिष्ट आवश्यकता को पूरा करता है। विटामिन्स। विटामिन ए माइक्रोबियल अटैक के खिलाफ प्रतिरक्षा प्रदान करने में मदद करता है। विटामिन D3 मिनरल्स के अवशोषण को बेहतर बनाता है, जिससे पशुओं की हड्डियां मजबूत बनती हैं। विटामिन ई प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में मदद करता है, तनाव से लड़ने में मदद करता है और प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाता है। विटामिन सी भोजन के पाचन को बेहतर बनाता है। मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स मजबूत हड्डियों के निर्माण में सहायता करते हैं और बेहतर पाचन को बढ़ावा देते हैं। प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ाने में मदद करते हैं, भोजन के पाचन को बढ़ावा देते हैं, जिसके कारण दुग्ध उत्पादन बढ़ जाता है। ये एक इम्यूनो मॉड्यूलेटर है, अतः पशु के स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और उसके आगे की नस्ल को भी। मैनन ओलिगोसैकेराइड MOS ये अतड़ियों में से माइकोटॉक्सिन्स को बाहर निकालकर पशुओं की सेहत और कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। शतावरी एक उत्कृष्ट गैलेक्टोगॉग है, जो स्तनपान कराने वाले जानवरों में दूध का उत्पादन बढ़ाता है। मेथी पशुओं की मांसपेशी के निर्माण में मदद करता है, साथ ही प्रोटीन रिच दूध के उत्पादन को भी बढ़ाती है। चलिए
अब CFC प्लस के डोसेजेस को समझते हैं। पशुओं को सुबह और शाम के आहार अथवा पानी में 5 ग्राम CFC प्लस मिलाएं। मुर्गी पालन के लिए 1 टन आहार या 1000 लीटर पानी में 280 ग्राम CFC प्लस मिलाएं। CFC प्लस 3 लाख से भी अधिक किसानों का विश्वसनीय है। अब तक 1 मिलियन से भी अधिक CFC प्लस यूनिट्स बेचे गए हैं। CFC प्लस भारत के प्रमुख कृषि विश्वविद्यापीठ महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ भूरी द्वारा प्रमाणित है। तो आज ही CFC प्लस खरीदें और अपने पशुओं को स्वस्थ बनाए रखें। अधिक जानकारी के लिए www.netsurfnetwork.com पर लॉगिन करें।